मंच पर आशीन हमारे केवल देश की नेतृत्व करने वाले नहीं लेकिन विश्व पटल पर भारत को एक नक्षत्र की तरह मानने वाले हमारे यशस्वी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर आशीन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर आशीन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी केंद्र सरकार के हमारे मंत्रीगण संजीव बलियान जी प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी उत्तर प्रदेश के नागर विमानन मंत्री आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के यहाँ उपस्थित समस्त हमारे मंत्रीगण सांसदगण विधायकगण अतुल देवत्या जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की लाखों की उपस्थित समस्त जनता जनार्दन आप सबको प्रणाम। आज जेवर के जनता के आंखों में एक नई चके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना आपका आपने देखा था वो सपने को साकार लेने का जो संकल्प लिया था आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और नागर विमानन मंत्रालय को दी थी जेवर को रोड रेल और बस और मेट्रो के साथ भी जोड़ा जाएगा 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा फैक्ट्रियां लगेंगी हमारी जो उत्तर प्रदेश है जो धार्मिक प्रदेश है आने वाले समय में एक औद्योगिक प्रदेश में परिवर्तित इस एयरपोर्ट के सहित भी हो पाएगी। आज इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है 70 साल में अनेकों सरकार ने मिलकर देश में केवल 74 एयरपोर्ट बनाए और प्रधानमंत्री जी का करिश्मा है प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 7 साल के अंदर अतिरिक्त 62 एयरपोर्ट बनाकर देश में 136 एयरपोर्ट बने हैं। ट्रेन एक्सप्रेस वे में दौड़ती हुई गाड़ी ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचार जा रहा है प्रदेश और भारत की नई पहचान होनी चाहिए। पुरानी कहावत है कि जहां चाह है वहां राह है जहां चाह है वहां राह है और संकल्प जब लिया जाता है महत्वाकांक्षी संकल्प ये एक उदाहरण है प्रधानमंत्री रहा है। मैं अपने तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और आप सबको दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं।